जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करेंटी फोर सेवन पर तैयारी अड्डा नंबर वन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप ढूंढ के लाइ आप बहुत ही खूबसूरत सा पोर्ट्रे जब से हमने रोमांटिक पोएस को पढ़ना शुरू किया है आई एम इन फीलिंग थोड़ी सी आर्ट मेरे अंदर भी और ज्यादा आ गई है बिकम कैंड मोर आर्टिस्टिक सो आईव स्टार्टड मैनी जब से आई पुट कीट्स दिस ह्यूज पोट्रे यू रिमेंबर एंड सिंस देन आई आई फील्ट कि एवरी टाइम आई स्टार्ट अ वीडियो आई थिंक आई शुड बिगिन विद अ पोट्रे लाइक दिस सो आई फाउंड वन फॉर पी वी शैली एंड आई होप यू ऑल लाइक इट एज माई बैकग्राउंड चलिए हम पीवी शैली के कुछ मेजर पोएम्स के कुछ मेजर एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं ये दो तीन पोएम्स को पढ़ के एक मेजर लेवल पे जो है आपको इनके सारी पोएम्स का एक बेसिक आइडिया और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो पेपर रिगार्डिंग है वो सारी जो है आपको मिल जाएंगी कैसे है मेरे सारे के सारे चांस लुकिंग नाइस लुकिंग गुड एवरीबॉडी आई एम एब्सोल्युटली फाइन अंकिता थैंक यू हाउ आर यू हावर इट लुक्स नाइस ना चलिए दैट्स ग्रेट चलिए क्लास बिगिन करते हैं ऑन दैट नोट पीबी बी शैली हम लोग कर रहे हैं पीबी शैली के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स मैंने कवर की हैं आज जो सीरीज की लास्ट क्लास है कल से जो है मैं पीबी बी शैली के पोएम्स जो एक दो कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स मुझे लगता है डिस्कस करने वाली हैं स्पेशली ओड टू द वेस्ट विंड क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं लाइन्स आती हैं तो वो जो है मैं कवर करना चाहती हूँ आपके साथ तो उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो मैं आपके साथ करूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमोरो आज हम जो है पीबी शैली की पोएम्स का जो टॉपिक है इसको वाइंड अप करेंगे सो so, लेट्स फर्स्ट पोएम दट आई ब्रॉट इज ऑन इज एडनिस तो आप सबको पता ही है एडनिस जो है पीबी शैली ने लिखी थी ऑन द डेथ इट इज एन एलिजी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स जॉन कीट्स की डेथ से बहुत ज़्यादा शॉक थे और उस ओकेजन पे जो है उन्होंने इस इस पोयम को लिखा था इन द फॉर्म ऑफ एन एलिजी नाउ बी स्पेसिफिक दिस पोयम इज एक्चुअली अ पेस्टोरल एलिजी पेस्टोरल एलिजी के ऊपर हमारा एक यूपी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बहुत ही स्पेसिफिक जॉनरा है इसके अंदर इंदर जो जो डेड है उसको एक शेफर्ड फिगर की तरह जो है दिखाया जाता है इसके अंदर बहुत ही सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है इसके अंदर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं बहुत सारे उसके साथ साथ इसके अंदर इन्वोकेशन इन्वोकेशन टू द म्यूज भी होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर एक प्रोसेशन भी होता है प्रोसेशन फॉर द डेड ठीक है इसके साथ साथ इसमें प्रोसेशन भी होता है अब ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है आपके यूपी के पीजीटी का क्वेश्चन है कि पेस्टो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेस्टोरल एलर्जी तो यू मस्ट नो और मुझसे बहुत लोग मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे बार बार ये पूछते हैं मैम एलर्जी क्या है पेस्टोरल क्या है पेस्टोरल एलर्जी क्या है मैं आपकी सिम्प्लीफिकेशन के लिए बता दूँ मैंने आई थिंक पहले अपनी पेट क्लास में भी एक ये बार ये बात रिपीट करके कही थी पेस्टोरल जो है ना गाइज पेस्टोरल एक अम्ब्रेला टर्म है ठीक है पेस्टोरल कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर या कोई एक स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट नहीं है इट इज एन अम्ब्रेला टर्म अब इसके अंदर देखो पोइट्री भी आ जाती है पोएम भी पेस्टोरल हो सकती है इसके अंदर एलिजी भी आ जाती है एलिजी भी पेस्टोरल हो सकती है इसके अंदर ड्रामा आ सकता है ड्रामा भी पेस्टोरल हो सकता है इसके अंदर एक लिरिकल पोयम आ सकती है सॉनिट आ सकता है तो मल्टीपल अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कैन फॉल अंडर अंडर द पेस्टोरल कैटेगरी एलिजी इज अ पोयम इन विच वी मोन द डेथ ऑफ अ बिलविडी वी नो और मे बी समी इवन इफ वी डोंट नो अबाउट इवन देन वी कैन राइट एन एलिज़ी ऑन दियर डेथ पेस्टोरल पोएम में बस ये हो जाता है कि जो डेड पर्सन है जो पासड वे हैं हम उनकी फिगर को एक शेपर्ड फिगर की तरह दिखाते हैं ठीक है और इस पोएम के अंदर बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैंजिकल फिगर्स लाइक निम्स गॉबलि एंड अदर काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स

स्पेंसेरियन स्टैंड में लिखी गई है मैं छुप रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मुझे फटाफट बता दो uh, क्या होता है मैं छुप गई हूँ रॉजर फिटनेस आई कम बैक टू योर अभी आई एम ट्राइंग टू हाइड दिस पॉइंट एक okay. uh, बार सब लोग मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि स्पेंसेरियन स्टैंडा का राइम स्कीम क्या होता है अनन्या रिगार्डिंग द एनवीएस का पीजीटी बैच स्टार्टिंग फ्रॉम विच जो अभी लेटेस्ट वाला था या पहले वाला था एप्लीकेशन में शो नहीं हो रही um, चलो लेट मी आस्ट द टीम आई डोंट नो व्हाट टेक्निकल इश्यूज हैपनिंग लेट मी गेट बैक टू यू मैं कल वाली क्लास में आपसे बात करती हूँ और आप एक बार कस्टमर केयर पे भी कॉल कर लीजिए ठीक है अच्छा आंसर आने लग गया है ए बी ए बी a b a b c d c d अच्छा जया नाइन लाइंस का होता है अभी तक बहुत सारे कमेंट्स आए नहीं है कोई बात नहीं द राइम स्कीम ऑफ ऑफ अ स्पेंसेरियन स्टैंजा इज a b a b b c b c c ठीक है नाइन लाइंस का स्टैंजा होता है इसको एडमंड स्पेंसर ने इन्वेंट किया था स्पेसिफिकली फॉर हिज एपिक पोयम द फेरी क्वीन इसमें जो फर्स्ट एट लाइन्स होती है वो आय्बिक पेंटामीटर में होती है जो लास्ट की लाइन है ये आएम्बिक हेक्सा मीटर में होती है जिसको हम एलेक्सेंड्रीन भी बोलते हैं ये हमने कल भी डिस्कस किया था एक क्लास में और मैं हैरान हूं इस बात पे कि आंसर्स क्यों इतने लेट आए हैं और आंसर्स आए भी लेट हैं तो ठीक भी नहीं आए हैं ऐसा क्यों हुआ है जब ये कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है तो आज इस पर गलती होनी नहीं चाहिए थी बट हुई है पर चलो कोई बात नहीं

First of all, he ग्रेटली really मूवड upon द डेथ ऑफ poet, फॉर टू of फर्स्ट ऑफ ऑल ही him पोएट एंड स्पेशल ऑफ ऑल greatest पोएट्स ऑफ द एज वो कह रहे थे कीट्स हमारी रोमांटिकरा की के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं लेकिन एक इनका क्रिटिसिज्म भी था कीट्स को लेके ये कह रहे थे कि कीट्स कितना भी कोशिश कर ले ये क्लासिक नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये जो है अपनी एज के जो ट्रू आइडियाज हैं उनको क्रिटिसाइज ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज सीबी शैली रेवोल्यूशनरी पोएट थे जॉन कीट्स की पोएम्स हमने की हैं अभी मेरे जैसे पेड बैचेस में अभी हम जॉन कीट्स कर रहे हैं मेरे जितने पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं आप लोग अग्री करेंगे डोंट थिंक एक भी ऐसा मोमेंट आया कि हम बोलेंगे कि जॉन कीट्स ने कोई प्रेजेंट करने की कोशिश की है या जैसे Shelley है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है तो दोनों के aesthetics बहुत ही हैं तो पीबी शैली को दिक्कत थी ये ये से कि क्यों जो है हमारी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट्स किंग्स क्वीन्स इन क्वेश्चन को क्यों नहीं उठाता है इन मुद्दों को ये क्यों नहीं उठाता है एज दूसरी बात उनको इस बात पर भी था रिव्यू ठीक है क्वार्टरली रिव्यू ब्लैकवुड्स मैगजीन ने कैसे जो है इनको इतना नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे दिया क्योंकि ये अलोंग अ ऑफ अदर पोएट्स पीबी शैली वाज वन ऑफ पोएट्स अलोंग विद मेनी अदर्स who believed that the scathing review given to his endymion and his poetic collection by quarterly review and the blackwoods magazine was also one of the reasons why john keats died it was like the reason that he got into depression the reason that he was dealing with his melancholy was because he got the scathing review from these journals so this this poem in a way is also a direct answer to the editors and the writers of these magazines for the burning indignation that they gave जॉन कीट्स इस पोयम में शेली शुरू करते हैं विदेरी व्हीपिंग वॉइस फॉर जॉन कीट्स पर लास्ट तक आते आते वो खुद को भी संभाल लेते हैं वो अपने रीडर को भी बोलेंगे कि तुम्हें अब इनके लिए और रोने की जरूरत नहीं है। हैज गॉन टू अटर स्पेस ही हैज गॉन टू अ प्लेस जहां अब इसके बारे में कोई कुछ बुरा नहीं बोल सकता ना वो किसी के नेगेटिव कमेंट से नेगेटिवली इंपैक्टेड होगा सो इन द पोयम ही स्टार्ट्स बाय वीपिंग फॉर जॉन कीट्स हु इज डेड बट हु विल बी लॉन्ग मोन्ड ठीक है कि इनका शोक जो है इनका जो इनका जो एक शोक है इनके जाने से जो लोगों को शोक लगा है लोग बहुत देर तक उस दुख से उभर नहीं पाएंगे देन ही विल कॉल ऑन द क्लासिकल कैरेक्टर ऑफ यूरेनिया यूरेनिया इज वॉट यूरनिया इज द इज अ ग्रीक क्लासिकल न्यूज यूरेनिया इज अ ग्रीक क्लासिकल न्यूज यूरनिया टू मोन फॉर कीड्स हु डाइड इन रोम ठीक है रोम में इनकी डेथ हुई थी तो उनकी uh, क्या कहते हैं यूरेनिया को वो बुलाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कौन सा माथोलॉजिकल कैरेक्टर को इन्वोव किया था पी बी शैली ने इन दिस पोएम टू मोन द लॉस ऑफ जॉन कीड सो दिल बी यूरेनिया Further, he will appeal his readers not to mourn for him any further as he has become a portion of the eternal and is free from the attacks of the reviewers. At least he has gone to a place now where he will no more be attacked, where he will no more be indignated or uh, you know insulted by the attackers of these magazines. So let us, uh, let us all rejoice in the fact that he is in a better place now. He is in a place where he will be free from any kind of physical or mental.

कि चलो वो जो एक शरीर तो नश्वर है आश आत्मा हमेशा के लिए है आत्मा भगवान के पास चली जाएगी वो वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है वो एल में घूम फिर के आ जाता है तो याद रखना अगर किसी पोयम में आप कंटेम्पलेशन uh, कर रहे हो फिलोसॉफिकल मेडिटेशंस कर रहे हो ऑन द नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑन द क्वेश्चंस ऑफ मोर्टेलिटी इसमें एक्सेप्टेंस होगी फॉर द डिपार्टेड सोल अगर एक पोयम में प्योर लेमेंटेशन है देर इज नो काइंड ऑफ यू नो एक्सेप्टेंस फॉर द डेड उसको हम बोलते हैं थ्रेनेडी उसको हम बोलते हैं थ्रेनेडी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबडी ठीक है ये पॉइंट आपने याद रखनी है क्योंकि ये दोनों आपके लिटरेरी फॉर्म्स uh, वाले टॉपिक के है लिटरी फॉर्म्स वाले का ये एक है, और ये हम सबको याद रखना है जो जो क्लास में वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू द्लास हांजी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ये पोएम में फिर वो कहेंगे ही इज नॉट डेड ही इज इन फैक्ट लिविंग बिकॉज हिस्सोन फ्रीड नाउ सोल जो होती है वो तो इटर्नल होती है ठीक है और जो ह्यूमन बॉडी होती है ये ये होती है, है? है, है, ठीक वाला वाला अगर मेरे जितना जो 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 मेरा मेरा अभी शुरू हुआ है, जो, sorry, जो second batch PM वाला batch चल रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं यहाँ पे मेरे साथ मेरे से वो वन पी वाले बैच के जुड़े हुए हैं आपको ध्यान है मैंने आपको कल बताई थी ये बात कि नॉर्मली हम लाइफ को किस तरीके से देखते हैं कि ये हमारा बर्थ है बर्थ को हम बिगनिंग बोलते हैं ये हमारी लाइफ है जो चलती है और इसके बाद यहाँ पे डेथ हो जाएगी और डेथ के बाद एंड है ठीक है एंड देन वी विल गो टू हेवन एंड देन वी विल गो टू हेवन नॉर्मली हम लाइफ का ऑर्डर ऐसे देखते हैं लेकिन रोमांटिक पोएट्स ऐसे नहीं देखते थे स्पेसिफिकली विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज ग्रेट पोयम ऑफ वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं पीबी शैली भी इस पोयम एडनिस ऐसी बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं हमारी एक्चुअल लाइफ तो हेवन में होती थी पहले ये हमारी लाइफ है फिर उसके बाद हमारा बर्थ होता है बर्थ के बाद हम अर्थ पे आते हैं ठीक है फिर हम अर्थ पे आते हैं जो कि एक स्लीप है ठीक है और उसके बाद हम वापस हेवन में जाते हैं और हमारी लाइफ जो है वो रिज्यूम हो जाती है रोमांटिक पोएट्स का ये पर्सपेक्टिव था लाइफ को लेके कि जो हम बर्थ से पहले हेवन में जो है जी रहे होते हैं वो ट्रू लाइफ होती है और जब हम अर्थ पे आते हैं वो तो हमारा एक सत्तर अस्सी नब्बे पचास जितने भी साल हम जिएंगे वो हमारा एक स्लीपिंग पीरियड है एंड डेथ के बाद वापस वो लाइफ सोल की इटर्नल लाइफ जो है रिज्यूम हो जाती है विलियम वर्सवर्थ ने भी ओड इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में यही बात बोली थी ठीक है और इस पोयम में पीबी शैली भी कोई यही आइडिया कन्वे कर रहे हैं ठीक है याद रखना है

एंड हेट एंड पेन के नॉट अफेक्ट हिम वो कह रहे हैं एनवी यानी जेलसी ठीक है क्लैनी कैलनी uh, uh, यानी कि अटैक इंसल्ट इंडिग्नेशन पेन यू नो

तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लास्ट तक आते आते अपनी एलर्जी में एक्सेप्टेंस ले लेते हैं कीड्स की डेथ का और बोलते हैं चलो कोई बात नहीं ठीक है कीड्स के लिए ये अच्छा ही हुआ कमेंट्स एक क्या आ रहे हैं um...

सरिता आपका पीजीटी लेना था टीजीटी दे दिया है मैं अभी बात करती हूँ सरिता कुमारी ठीक है आप को डेट भी बता दो आपने किस दिन एनरोल किया था मैं खुद पर्सनली बात कर लूंगी इन लोगों से आपके पास कॉल आ जाएगा ठीक है सरिता कुमारी कैन यू ऑल्सो टेल मेंशन मी द डेट जिसमें आपने आ, आ, अपना कोर्स पाए किया था बता दीजिए चलिए नेक्स्ट पोइंट पे आते हैं नेक्स्ट पोयम है प्रोमिथियस प्रोमिथियस अनबाउंड पब्लिश इन का कैरेक्टर कोई नया कैरेक्टर नहीं है अगेन आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है प्रोमिथियस की जो ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके ऊपर द ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट एस्काइलिस्ट ने एक ट्रायोलॉजी बनाई थी ठीक है उन्होंने तीन एक प्लेस का एक ट्रायोलॉजी दिखी थी उसका नाम था प्रोमिथिया प्रोमिथिया नाम से एसका ने एक ट्रायोलॉजी बनाई थी जिसमें उन्होंने ग्रीक ये जो स्टोरी है ऑफ इसको इसके ऊपर लिखा था ठीक है so, सो इसमें आ, इसमें आ, प्रोमिथियस की स्टोरी में बेसिकली ये होता है that uh, Prometheus will become that figure, he will become basically a saviour of mankind, hai? Prometheus is a saviour of mankind, how? There is a fire, there is a fire of, uh, of enlightenment, hai? of education, of knowledge, of wisdom, language, art, poetry, culture, वो फायर जो है वो भी ह्यूमैनिटी के पास नहीं है ह्यूमैनिटी अभी इन चीजों के बिना जी रही है Prometheus जो है Zeus, Jupiter, Jov, Zeus, है ज्यूस ज्यूस अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हु गॉड जुपिटर जोव ठीक तो ज्यूस से वो उस फायर को स्टील करेंगे और वो ह्यूमैनिटी को वो फायर दे देंगे तो प्रोमिथियस की वजह से अब ह्यूमैनिटी के पास आर्ट लिटरेचर कल्चर विजडम नॉलेज तो आ गई पर प्रोमिथियस को उसकी सजा मिलेगी तो प्रोमिथियस को जो है एक एक माउंटेन टॉप एक पीक पे जो है हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा ज्यूज उनको सजा देंगे कि एक एक ईगल इटर्नली उसके ऊपर घूमता रहेगा और उसको परेशान करेगा कैसे कि बीच बीच में कभी भी आके जो है उस पर झपट्टा मारेगा सो ही विल टैटर ऑफ हिज स्किन ठीक है ही विल काइंड ऑफ टेक ऑफ हिज स्किन ही विल ईट हिम ही विल बाइट हिम ही विल स्क्रैच हिम तो ऐसे करके आ, प्रोमि डूम्ड इटर्नली ठीक है उनको हमेशा के लिए एक सजा मिल गई है इस पोयम में जो ओरिजिनल एस्काइलिस के जो ये ड्रामा थे प्रोमिथिया इस्ट्रियालॉजी में जो प्रोमिथियस है ये उसकी डेस्टिनी है ठीक है ही विल काइंड ऑफ एक्सेप्ट द डेस्टिनी दैट हैज बीन प्रोक्लेम्ब ऑन हिम बाय ज्यूज पीबी शैली इसका एक डिफरेंट वर्जन देंगे क्यों क्योंकि पीबी शैली एक रोमांटिक पोएट है तो अनबाउंड जो है Aeschylus वाले प्ले का एक रोमांटिक इसका एक रोमांटिक वेरिएशन है ठीक है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज बच्चे क्लास uh, में मेरे नोट्स जो मैं हाईलाइट पॉइंट्स बता रही हूँ आपको इम्पॉटेंट उस पर फोकस करने की बजाय आपका फोकस कॉमेंट्स पे ज़्यादा है आज मुझे ऐसा फील हो रहा है ठीक है मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो कमेंट सेक्शन से हटाकर अगर आप सिर्फ मेरी बात को सुनो और कमेंट में सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स को लिखो और अपना अटेंशन सिर्फ उतने पे रखो तो ये बहुत ज़रूरी है ठीक है वरना ये क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे पढ़ाने का मतलब ही नहीं है और आपको इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं बहुत सीधी सी बात है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ ठीक है कि थोड़ा सा ना अभी जो इधर उधर की बातें चल रही है कॉमेंट सेक्शन में उसको छोड़ दो और प्लीज मेरे साथ पढ़ाई कर लीजिए झारखंड वाला जो बैच है थोड़ा सा हम ये होगा अगले महीने से शुरू ठीक है अगले महीने से शुरू करेंगे जी ठीक है हाँ जी चलो ये जो पोयम है इसको हम एस्काइलस की ट्रायोलॉजी का एक रोमांटिक वेरिएशन कह सकते हैं क्योंकि एंडिंग थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे पीबी शैली उसमें जो है प्रोमिथियस अपनी डेस्टिनी को फॉर एक्सेप्ट कर लेंगे इस पोयम में वो ज्यूस को माफ कर देंगे ठीक है उनको माफ करके वो अपने अंदर ह्यूमैनिटी को एनलाइटन करेंगे और ये उनकी सेल्बेशन है यही उसकी उसको अपनी सजा से कैसे रिडम्पशन मिलती है कैसे सेल्बेशन मिलती है कि वो माफी शो कर देता है ज्यूज को ठीक है एंड इन दी एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल्वेशन ही विल बी फ्रीड फ्रॉम दिस टॉर्मेंट फ्रॉम दिस पेन सो वी विल सी अभी मैं आपको बताऊंगी स्टोरी क्या है बस याद रखिए कि ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी है प्रोमिथियस की है ज्यूज से फायर स्टील करने की वजह से जो है उनको ये मिली थी ये जो प्ले है um, एक सेकेंड अच्छा हाँ ये इधर सॉरी आई फॉरगॉट ये जो ये जो इट्स नॉट रियली अ अम इट इज अ लिरिकल ड्रामा मतलब इट इज अ पोइटिकल ड्रामा ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला है तुमसे मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे ठीक है ये एक बड़ा ही सीधा साथ साथ सा साधा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है प्रोमिथियस अनबाउंड बाउंड क्या है तो याद रखो ये पोयम नहीं है ये ड्रामा है पहली बात तो ड्रामा है लेकिन पोइटिकल फॉर्म में तो क्या बन गया पोइटिकल ड्रामा ठीक है या फिर वर्स ड्रामा या फिर लिरिकल लिरिकल क्यों बोला है इसको क्योंकि इसके अंदर क्वायर का कैरेक्टर बार बार आके बहुत सारे गाने गागा के जाएगा

तो यहां पे जो ज्यू यहाँ पे जो प्रोमिथियस का फिगर है ही इज अ सिंबल ही इज अ सिंबल ऑफ अ अथ सेंचुरी इंग्लिश मैन वो अपने रीडर्स को बोल रहे थे तुम प्रोमिथियस में अपने आप को देखो ही इज अ सिंबल ऑफ ऑल द मैन ऑल द वमेन ऑल द चिल्ड्रेन हु लिव इन दिस पीरियड दिस अर्ली नाइनटीन सेंचुरी इंग्लैंड क्योंकि जो ट्रेनी के साथ प्रोमिथियस डील कर रहा है जो टॉर्चर्स जो एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ हो रहे हैं हमारे साथ क्या कम हो रहे हैं हम भी तो एक ऐसी इरा में जी रहे हैं जहाँ हमारे मोनाक्स हमारे किंग्स हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ठीक है इसीलिए ये इसको चेंज इसका एंड इसलिए वेरिएशन में दे रहे हैं क्योंकि पी शैली अपने खुद के एंड को पॉजिटिवली एन्विजन करते हैं वो कह रहे हैं कि मेरी रेवोल्यूशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा So, वो क्या करेंगे? या जुपिटर माफ कर देंगे और बी. शैली ये वो रीजन है जो प्रथियस को उनकी सेल्वेशन मिल जाएगी दिस विल बिकम द रीजन फॉर हिज सेल्वेशन इसी वजह से वो मुक्त हो पाएंगे नाउ बी कम टू दीज अदर कैरेक्टर्स पैंथिया एंड हर सिस्टर एशिया पैंथिया और एशिया एशिया इज द लवर ऑफ प्रोमिथियस अब ये दोनों डिसाइड करेंगे कि हम प्रोमिथियस को बचाएंगे ठीक है हम उसको वहां से बचा के लाएंगे ये दोनों हैं, ये दोनों इंडिकेट करती हैं यूनिवर्सल लव बोथ पैंथिया एंड एशिया दे आर द सिंबल्स ऑफ यूनिवर्सल लव इन दिस ड्रामा एंड दे विल डिसाइड टू फ्री प्रोमिथियस फ्रॉम डेमोगली द डार्क किंग ऑफ दंडरवर्ल्ड

इकट्ठे हो जाएंगे तो अब बिकॉज ऑफ कर्टसी ऑफ रिस्क ह्यूमैनिटी नाउ हैज नॉलेज विजडम एजुकेशन कल्चर आर्ट पोइट्री अब ह्यूमैनिटी को ये सारा गिफ्ट मिल चुका है बिकॉज ऑफ द फायर दैट ही स्टोल तो अब ये लोग प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर की अब ह्यूमन सोसाइटी फ्यूचर में कैसी होगी आपको पता है ये जो फोर एक्ट का प्ले है इसमें थ्री एक्ट्स तो पहले ही लिख लिए थे जो फोर्थ एक्ट है वो काफी मंथ्स बाद उन्होंने लिखा है थर्ड एक्ट तक जो है प्रोमिथियस को सेव कर लिया जाएगा ठीक है और वो अकेले वो जो है अपना करेंगे फ्यूचर फ्यूचर लेकिन वो 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 है क्या वो दिखाया जाएगा इन द फोर्थ एक्ट फोर्थ एक्ट थर्ड एक्ट के बीच में कई मंथ्स का डिफरेंस है लास्ट एक्ट जो है उसमें दिखाया जाता है ये जो एक जॉयफुल रेनोवेशन हुई है इन द वर्ल्ड लेकिन ये लास्ट में वो क्या मैसेज देंगे दैट टाइम एंड अगेन सोसाइटी एंड वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट कोई ना कोई फोर्सेज कोई ना कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहे हर ईरा में हर एज में कि बुराई जो है आपको टेक ओवर करने की कोशिश करेगी पर अच्छाई को हमेशा उसके ऊपर जीत दिखानी पड़ेगी ठीक है सो दैट वॉज दैट नेक्स्ट पोयम दैट वी आर गोइंग टू कवर इज क्वीन मैप क्वीन मैप का पब्लिकेशन ईयर देख सकते हो 1813 सो दिस इज वन ऑफ हिज सो वर्क्स ठीक है दिस वाज वन ऑफ हिज अर्लिएस्ट एंड सक्सेसफुल लिटरेरी वेंचर्स क्वीन मैप क्वीन मैप एक्चुअली अगेन एक माइथोलॉजिकल फोक कैरेक्टर है Uh, who basically will, uh, she basically is a harbinger of utopia utopia ka kya matlab hota hai का क्या मतलब होता, है? Utopia का मतलब होता है एक perfect world. यूटोपिया का मतलब होता है एक परफेक्ट वर्ल्ड तो इस वाले पोयम में पीबी शैली का ये जो ग्रैंड आइडिया उनकी जो grand विजन है कि हम अपनी लाइफ में जो ये tyranny, exploitations, करप्शन से डील कर रहे हैं हम इन सब से आगे बढ़ें रेवोल्यूशन लाएं अपना सोशल ऑर्डर चेंज करें और एक पर्स एक 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 इम्पेकेबल परफेक्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ें उनका वो जो विजन है वो इस पोयम में दिखाया गया है इस पोयम का कंप्लीट टाइटल है क्वीन मैब अ फिलोसॉफिकल पोयम विद नोट्स इस पोयम का कंप्लीट टाइटल है क्वीन मैब अ फिलोसॉफिकल पोयम विद नोट्स

उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी पोयम में बोला है कि मैंने इस पोयम को स्टैंडा में नहीं मैंने इस पोयम को कैंटोज में डिवाइड किया है हमने कल भी कोई ऐसी की थी बता सकते हो कौन सी थी बिल्कुल कॉइन बाय थॉमस मोर बिल्कुल प्राची ये जो पोयम है इसका पहला पब्लिकेशन तो 1813 में हो गया था लेकिन फिर इसका एक रिवाइज्ड एडिशन edi, आया था रिवाइज्ड वर्जन आया था 1816 में पब्लिश हुआ था और उसमें इसका नाम चेंज होके क्या हो गया था द डीमन ऑफ द वर्ल्ड इसका रिवाइज जो एडिशन था कैंटोज जो है इट इज बेसिकली स्टैंड ओनली जो uh, पोइट्री में जो हम पैराग्राफ्स को डिवाइड करते हैं उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं वर्स कैंटो बिल्कुल ओ टू भी कल हमने की थी जिसके अंदर वो पर्टिकुलरली कहते हैं कैंटोज उन्होंने, उन्होंने अपने पैराग्राफ्स को को स्टैंडा नहीं बोला खुद कैंटोज बोला है तो याद रखो कौन कौन सी पोयम है पीबी शैली की जिसमें कि कैंटोज वर्ड आया है ओ टू दैस्टिंड एंड क्वीन मैप 1816 में इस पोयम का एक रिवाइज वर्जन आता है जिसका कि नाम चेंज होके क्या बन जाएगा द डीमन ऑफ द वर्ल्ड द पोएम सर्व एज अ फाउंडेशन टू हिस्स थियोरी ऑफ रेवल्यूशन पीबी शैली आने वाले टाइम में तो एक डिक्लेयर्ड रेवल्यूशनरी है लेकिन कोई ऐसी पोयम तो रही होगी ना जब उन्होंने पहली बार बड़े ही खुलेआम अपने आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन अपने आइडिया ऑफ चेंज को दर्शाया होगा वो इस पोयम के थ्रू था क्वीन मैप के थ्रू इस पोयम में वो अपने आइडियाज़ को पहली बार दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग है है। है। आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है, कि की कौन सी पोयम है जो कि एक की तरह दिखाई हुई है सो द आंसर विल बी क्वीन मैब ये पोयम में वो अपना विजन ऑफ यूटोपिया ऑफ अर्थ दिखाएंगे पीबी शैली इस पोयम के थ्रू अपना आइडिया ऑफ यूटोपिया ऑन अर्थ दिखाएंगे कि सिर्फ़ ऑफ यूटोपिया ऑन अर्थ है बट इट ऑल्सो अटैक्स इंस्टीट्यूशनल रिलीजन एंड कोडिफाइड मोरालिटी सही और गलत की जो एक डेफिनेशन हमने सोसाइटी में बना रखी है इस पोयम में पीबी शैली उसको भी अटैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर आपको वर्ल्ड में यूटोपिया अचीव करना है उसके लिए आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिलीजन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं आप छोटे छोटे गुड एक्ट्स करो काइंडनेस शो करो बी सेंसिटिव टू अदर पीपल एंड देयर पेन एंड देयर सफरिंग सिंपथाइज विद देम एम्पथाइज विद देम इवन इफ यू फॉलो दीज लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यू विल स्टिल बी क्रिएटिंग अ यूटोपियन वर्ल्ड बेसिकली अ वर्ल्ड वेयर एवरी इज बिलीव्ड इक्वल नोबडी इज हायर नोबडी इज लोअर कोई किसी से बड़ा नहीं है कोई किसी से छोटा नहीं है अगर हम इतना भी मानने लग जाए तो भी हम सोसाइटी में यूटोपिया क्रिएट कर सकते हैं सो हिज हिज प्ली इन दिस पोएम इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड हैप्पीनेस वो कह रहे हैं यूटोपिया या हैप्पीनेस का फॉर्मूला कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है वो हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है और बात भी वो सही कह रहे हैं वो कह रहे हैं कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है हैप्पीनेस फाइंड करना या फिर एक परफेक्ट वर्ल्ड में जीने के लिए बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल कुछ आ, उसके तरीके होते हैं अगर हम उन तरीकों को भी फॉलो करने लग जाएँ तो हमें आ, जो है बहुत जल्दी हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में लिख में जीना शुरू कर देंगे इस पोयम में जो क्वीन मैब है वो अर्थ पे आती है और वो लीथ नाम के एक फिगर को लीथ को अपनी विजन दिखाती है लीथ पहले भी आया हुआ है लीथ पहले आया हुआ है <coughs> आप लोग मुझे बता सकते हो लीथ पहले हमने रोमांटिक में से किसी एक पोएट के किसी वर्क में ये कैरेक्टर को पढ़ा हुआ है कहाँ पढ़ा हुआ है बता सकते हो सो so, वो अर्थ पे आती हैं लीथ को नींद से जगा के उसको विजन दिखाती हैं विजन होती है ऑफ पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर जिसमें से पास्ट और प्रेजेंट की जो विजन है वो तो बेसिकली इट इज फ़िल्ड ऑफ टेरनी ऑपरेशन करप्शन पेन सफरिंग बट हर विजन ऑफ 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 फ्यूचर होल्ड अ प्रोमिस फॉर यूटोपिया इस पोयम में जब क्वीन मैब अपनी विजन दिखाती है वेरी गुड नेहा नाइटिंगेल गेल में मैं खुद कंफ्यूज हो रही एक सेकेंड गेटफुलनेस वॉज इट नॉट इन ओट टू मिलेंकली आई एम माई सेल्फ गेटिंग कन्फ्यूज नाइटिंगल में था अच्छा मुझे ओ टू मिलें याद आ रहा था बिकॉज इट इज द रिवर ऑफ फो गेटफुलनेस एक बार चेक कर लेना पक्का उसमें मुझे पता नहीं क्यों मिलेंकली में याद आ रहा है द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस वो वाला पॉइंट उसमें नहीं आया था अच्छा नाइटिंगेल में भी था नाइटिंगेल <laughs> में मुझे याद नहीं आ रहा फिर ठीक है चलो ओके okay. ओके okay. मैं 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 नाइटिंगेल में मुझे याद नहीं आ रहा मैं चेक कर लूंगी एक बार ठीक है मुझे तो उसका याद आ रहा था हाँ द द रिवर ऑफ फॉरगेटिंग फॉरगेटफुलनेस ऑफ एमनीजिया ठीक है अच्छा दोनों में है क्या मैं <laughs> मुझे उसका याद नहीं है चलो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस ठीक है कूल 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 चलो ये तो मुझे भी अब लर्न हो गया तो एक तीसरी पोयम जिसमें लीद का mention है, will be this one. है, ठीक तो Queen Map, three visions दिखाएंगी पास्ट प्रेजेंट uh, का जो विजन है इट द विजन्स फॉर फ्यूचर दे आर होपफुल दे आर पोटेंशियली गुड बिकॉज उसमें है उनका प्रोमिस फॉर यूटोपिया इस पोयम की जो थीम है वो क्या है

कवर करेंगे नेक्स्ट वी हैव द पोयम एलिस्टोर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एलिस्टोर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड एलिस्टोर उनकी वन ऑफ द वेरी अर्लिएस्ट रिटन पोएम है ठीक है एलेस्टोर वॉज इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी इनिशियल फर्स्ट पोएम्स दैट ही रोट इवन बिफोर क्वीन मैप ठीक है ये जो पोयम है सेवन ट्वेंटी लाइन लॉन्ग है और इसका टाइटल देने वाले थे थॉमस लव पीकॉक ठीक है पहले इसका टाइटल नहीं था इसको अन टाइटल वर्जन में पीबी शैली ने लिख के अपने फ्रेंड एंड राइटर थॉमस लव पीकॉक को दिया कि मैं ये पोयम लिखना चाहता हूं पोयम पढ़ के पीकॉक ने कहा कि तुम इसका टाइटल ये रखो तो उन्होंने इसका टाइटल सजेस्ट किया था एलिस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड पीकॉक ने कहा था एलिस्टर को डिफाइन किया था एज द इविल जीनियस और एवेंजर

वो चाहता है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलूं जिसके साथ मेरी जो है विजन मैच करे ताकि जो है मैं वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर सकूं वेरी इंटरेस्टिंग रीच द वैली ऑफ कश्मीर इन दैट सर्च अब ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है कि कश्मीर वैली का मेंशन पीबी शैली के कौन से वर्क्स में है सो आंसर विल बी एलिस्टोर या फिर वर्क में कौन सी वैली का मेंशन है तो आंसर विल भी कश्मीर वैली क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं और उस हिसाब से क्रॉसओवर रूल को देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ठीक है तो कश्मीर वैली का इसमें देयर इन अ ड्रीम ही इज विजिटेड बाई अ वेल्ड मेडन टू हिस्स आइडियल्स

अल्टीमेटली वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी बेसिकली इस पोयम के थ्रू जो है जॉन पी बी शैली ये बताना चाहते थे कि एक आइडियलिस्टिक विजन रखना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही ऑस्ट्रोसाइजिंग इवेंट भी हो सकता है ठीक है आपको लोग ऑस्ट्रोसाइज भी कर सकते हैं जैसे कि पहले ले हंट ने उनके पोयम को देख के क्या बोला था कि इसको नहीं मैं पब्लिश कर सकता लोग अभी रेडी नहीं है तुम्हारी इस विजन के लिए पीबी शैली मैंने आपको पहले भी उनके इंट्रो में भी बताया था उनके आइडियाज इतने रेवोल्यूशनरी थे कि लोग लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती थी एडिटर्स उनके वर्क्स पब्लिश नहीं करते थे तो पीबी शैली इस पोयम में कहीं ना कहीं ये बता रहे कि ऐसी रेवोल्यूशनरी आइडियाज रखने वाले जनरली लोन वुल्स होते हैं अलोन होते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि उनको साथ ही नहीं मिलते हैं तो इस पोएम में उसी एक फ्रस्ट्रेशन को जो है वो डिनोट किया गया है एट लास्ट ही विल डाई इन दैट फ्रस्ट्रेशन एंड हियर द क्लास एंड्स और हमने ये वंडरफुल सीरीज ऑन पीबी शैली कंप्लीट कर लिया यहाँ पे जिसमें हमने इनकी जो है सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स को जो है कवर किया है पहले तो मुझे बताओ कैसा मजा आया सबको क्लास अच्छी लगी हाँ पी बी शैली की पोइम्स करके अच्छा लगा आई थिंक हमने सारी मेजर जो है इनकी पोएम्स को है यहाँ डिस्कस कर लिया है कल से मैं ओल टू द वेस्टमेंट शुरू कर दूंगी ओल टू द वेस्टमेंट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्योंकि वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इट इट इज अ लॉन्ग पोएम एंड इफ वी आर स्टार्टिंग पी बी शैली वी मस्ट नो

एक सेकेंड आप अगर जानते हैं किसी को जो भी यूजीसी जी नेट देने में इंटरेस्टेड है एंड दे व ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ बैच देन यू मस्ट यू नो रेकमेंड माय क्लास टू देम बिकॉज मैं पहले से भी मेरा यूजीसी का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है एंड यूजीसी का जो मेरा सिलेबस है ये काफ़ी ज़्यादा आपको रेलिवेंट रहेगा Uh, इसमें हमने पेपर वन का भी एक कंबाइंड बैच लॉन्च किया है संस्कृत और इंग्लिश का इंग्लिश में आपको बेनिफिशियल रहेगा जितने लोग डी ट्रिपल एस पी दे रहे हैं क्योंकि डी डी ट्रिपल ट्रिपल एस एस का का बैच इसके साथ शुरू होगा जो सिलेबस है वो पूरे तरीके से नेट के सिलेबस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है तो दोनों के जो बैचेस हैं वो अलाइंड या पैरल चलेंगे तो अगर आप जानना चाहते हो कि डी ट्रिपल एस पी की तैयारी कैसे होने वाली है मुझसे बहुत लोग पूछते थे कि मैम आपने अपडेटेड टाइम टेबल कब डालोगे तो ये नेट से आप अपडेटेड टाइम टेबल मेरा देख सकते हो ठीक है ना यहाँ क्योंकि हम एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन एज एज ऑफ चौसर रिवाइवल एज ये सारी शुरू करेंगे और कोई भी जो टीजीटी पीजीटी है वो एलिजाबेथन ड्रामा से शुरू होता है एलिजाबेथन में आता है फिर बीच में जेकोबियन कैरोलाइन नहीं आती है ठीक है फिर हम सीधा आ जाते हैं रोमांटिक पोइट्री पे रोमांटिक पे फिर हम आ जाते हैं विक्टोरियन पे और ट्वेंटी पे लेकिन उसके अलावा भी नेट में और बहुत कुछ है बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं तो वो सारे यहां पे होंगे और ये सारे के सारे टॉपिक्स डी ट्रिपल एस के लिए रेलिवेंट है और इसी के साथ साथ आने वाले अगले ही महीने इसी के साथ झारखंड भी शुरू हो जाएगा तो जितने लोगों ने महापैक ले लिया था डबल वैलिडिटी में वो इस फायदे में रहेंगे कि जैसे जैसे अब ये बैचेस स्टार्ट होते रहेंगे आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और क्लास शुरू होने से हफ्ते पहले से मैं रोज क्लास में बताने लग जाऊंगी आप लोगों को कि देखो अब झारखंड वाला शुरू होने वाला है अब डी ट्रिपल शुरू शुरू होने होने वाला है है ताकि आप लोग अवेयर रहो कि बैचेस वाले हैं ठीक साथ ही साथ जो नेट है उसके लिए भी आप ये वेबसाइट मेरी विजिट कर सकते हो इसका भी सारा सेम प्लान है इसमें बस टीजीटी पीजीटी से अलग यह है इसकी वैलिडिटी हमने लंबी रखी है क्योंकि ये साल में दो बार होता ही होता है तो वी हैव गिवन यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट साल में दो बार होगा प्रोसेस इसमें भी आपको सेम ही लगेगा ठीक है एटीन थाउजेंड का कोर्स है वैसे लेकिन अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हो तो आपको पता ही है यू नो द ड्रिल यू हैव टू यूज़ माई कोड बाई फाइव फोर टू उससे आपको जो है तकरीबन चौदह हजार का डिस्काउंट पड़ के ये कोर्स सिर्फ फोर वन थ्री नाइन रुपीज का पड़ेगा सो स्प्रेड द वर्ड एवरीबडी हु पैशनेट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज या फिर जो भी डी ट्रिपल एस पी को एम कर रहे थे फटाफट से जो है वो मेरे कोर्स में एनरोल कर लीजिए एंड आई विल सी यू गाइज लेटर आई आई मीट यू हेयर डेली एट फोर पी एम फर्स्ट so, टाइम रोज यहीं बेल आईकॉन दबाया नहीं दबाया नोटिफिकेशन आई नहीं आई क्या फर्क पड़ता है आप रोज आइए ना मेरी क्लास में यहाँ चार बजे रोज पढ़िए मुझसे यहाँ पे तो मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है चलिए ओके okay, हाँ प्रिया ठीक है मुझे याद नहीं आ रहा था मेरे को वो मिलांग याद आ रहा था बट मैं अभी जाके चेक कर लेती हूँ डेफिनेटली होगा उसमें भी ठीक है चलो एवरीबडी टेक केयर हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फर्गेट टू एनरोल इन माई कोर्सेज Using my code BY542 for maximum discount of 77%. Take care. Bye.